उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक बार फिर दिल दहलाने वाला एक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें रामपुर के एक दंपति और उनकी बेटी की मौत हो गई। माता पिता और बेटी की मौत की खबर सुनकर बरेली में उनकी रिश्तेदारी से लेकर रामपुर स्थित उनके घर तक कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां से आज तीनों के शव रामपुर पहुंचेंगे और उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। घटनाक्रम बरेली के फतेहगंज पश्चिमी का है। नेशनल हाईवे पर राधा कृष्ण मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट में बाइक सवार मोहम्मद यासीन, उनकी बीवी चमन और बेटी फ्री सोन की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर के खाता नगरिया गांव के रहने वाले करीब 45 वर्षीय मोहम्मद यासीन अपनी बीवी और 18 वर्षीय बेटी के साथ बरेली के परतापुर स्थित अपनी रिश्तेदारी में आए थे। दरअसल उनके एक रिश्तेदार उमरा करने सऊदी अरब जा रहे हैं। इन्हें पहुंचाने और दुआओं की इंतजा लेकर यासीन अपनी बीवी बेटी के साथ बरेली के परतापुर गाँव में उनसे मुलाकात करने पहुँचे थे। उनसे मुलाकात करने के बाद मंगलवार की शाम को वह अपने परिवार के साथ बाइक से रामपुर लौट रहे थे, जहां फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। ये हादसा इतना विभत्स था कि तीनों लोग मौके पर ही मारे गए। बरेली से यह खबर जैसे ही रामपुर पहुंची तो उनके घर में चीख पुकार मच गई और पूरा गाँव गमगीन हो गया। रात में ही घरवाले रामपुर से बरेली पहुंचे तो पूरा गांव मोहम्मद यासीन के घर पर उमड़ पड़ा। इससे पहले रामपुर में हज से लौट रहे एक ही परिवार के चार लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दरअसल गांव के एक शख्स जो हज पर गए थे, उनके बेटे उन्हें दिल्ली से लेकर रामपुर वापस लौट रहे थे, जहां मुरादाबाद में एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया था और अब उसी तरह से एक बार फिर एक दुखद खबर रामपुर से सामने आई है, जिसमें नगरिया गांव के मोहम्मद यासीन और उनकी बीवी बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई है।